हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी क्लास है वो यूपी टेट एग्ज़ाम्स के लिए है। यूपी टेट का पेपर वन, जिसमें मैं आपको ईवीएस का सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ। तो यूपी टेट के अगर हम सिलेबस पेपर वन के सिलेबस की बात करें, ईवीएस की बात करें, तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है परिवार। तो हम टॉपिक वाइज सारा कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है परिवार। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि परिवार शब्द बना किससे है, परिवार शब्द का क्या परिचय है। तो हम जानेंगे कि परिवार शब्द जो है वो लैटिन भाषा के फैमिलिस शब्द से बना है। लैटिन भाषा के फैमिलिस शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? फैमिलिस शब्द से मिलकर बना है। इसका मतलब है परिवार। और अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में परिवार का मतलब होता है फैमिली। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि परिवार शब्द का की उत्पत्ति को किस शब्द से हुई है, तो वो लैटिन भाषा का शब्द है, फैमुलस शब्द है, उससे परिवार शब्द की उत्पत्ति हुई है। दूसरा, अब हम जानेंगे कि परिवार का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं परिवार। परिवार क्या होता है? परिवार एक वह स्थान है जहाँ पर दो या दो से अधिक लोग या अलग अलग स्वभाव के लोग एक साथ रहते हैं। इसको क्या कहेंगे? परिवार कहेंगे। तो परिवार का अर्थ हमें यही जानना है कि परिवार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर अलग अलग सोच के लोग, अलग लिंग के लोग भी सब एक साथ रहते हैं। ऐसे जगह को क्या कहेंगे? परिवार कहेंगे। अब दूसरी चीज़ हम पढ़ेंगे परिवार की विशेषताएं, कि परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो परिवार की विशेषता है, अगर हम विशेषता की बात करें, परिवार की विशेषता है, परिवार जो है वो समाज की आधारभूत इकाई है। आधारभूत इकाई है, सबसे बेसिक यूनिट जो है समाज की वो परिवार है। एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार मिलकर ही समाज बनाते हैं, और हर परिवार जो है वो समाज का हिस्सा है, ठीक है, सोसाइटी का हिस्सा है। तो पहली विशेषता परिवार की क्या हो गई? कि परिवार समाज की आधारभूत इकाई है। दूसरी विशेषता जो आप साइकोलॉजी में भी पढ़ते हो, आपने कई बार पढ़ा होगा कि किसी भी बालक की प्रथम पाठशाला जो होती है वो परिवार है। ये साइकोलॉजी का भी क्वेश्चन है, ये आपका ईवीएस का भी क्वेश्चन है, ये दोनों जगह कॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दूसरी विशेषता जो समझ में आई वो ये थी कि बालक का प्रथम विद्यालय, बच्चा जो है वो सबसे पहले अपने परिवार से ही चीज़ें सीखता है, चाहे वह संस्कार हो, बोलना, लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, सब वो कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। तो परिवार जो है वो बालक की पहली पाठशाला है। दूसरा जो है परिवार की विशेषता जो है उसमें क्या है कि परिवार में सभी के लिए समान, एक ही सम्मान होना होता है। दूसरी विशेषता क्या है? जो भी सामान है घर का वो सारे लोग यूज़ करेंगे, सबको एक जैसा भोजन दिया जाएगा और सबकी सामाजिक क्रियाएं भी एक जैसी होंगी। तो ये है परिवार की तीसरी विशेषता। परिवार की दूसरी विशेषता क्या है? कि सभी सदस्यों की आय एक साथ जमा होगी। परिवार जब एक ज्वाइंट फैमिली होती है या कोई भी एक परिवार में रह रहा होता है, तो क्या होता है, उस फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियली चलाने के लिए जो परिवार की आय होती है वो एक ही जगह पर इकट्ठी की जाती है, ताकि परिवार में आराम से काम चल सके। इसके बाद क्या होता है कि परिवार की अगली विशेषता क्या होती है? तीसरी विशेषता आपको बताई कि परिवार में आय जो है वो एक ही, आय का स्थान एक होता है, आय का स्थान एक होना। उसके बाद चौथी विशेषता है बच्चों को संरक्षक मिल जाना, बच्चों को संरक्षण व संरक्षक दोनों ही मिल जाते हैं।
जब हम किसी परिवार में रहते हैं तो छोटे बच्चों के संरक्षण और संरक्षक के लिए घर के बड़े लोग होते हैं। ये परिवार की एक बहुत बड़ी विशेषता है जिसमें बच्चे के लालन पालन में सुविधा प्राप्त होती है। इसके बाद क्या होता है, परिवार किसको कहेंगे, विवाह के उपरांत बनाया गया परिवार ही परिवार होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई दो जन एक साथ रहना शुरू कर दे और उसको आप परिवार कहेंगे, नहीं। अगर हम परिवार की बात करें तो सामाजिक रूप से जब दो लोग विवाह के उपरांत अपना परिवार शुरू करते हैं, रहना साथ शुरू करते हैं, उसको ही परिवार कहा जाता है। तो अगली विशेषता क्या हुई इसकी कि विवाह उपरांत परिवार का निर्माण होता है। परिवार का निर्माण कब होगा, विवाह उपरांत होगा। इसके बाद छठी विशेषता क्या होगी, बच्चों के बीच अपनत्व होगा, सदा सहोदर का भाव होगा। बच्चों के बीच क्या होगा, जब बच्चे ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो वो प्यार करना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करना सीखते हैं, तो बच्चों के बीच क्या होगा, प्रेम होगा और एक दूसरे के लिए सौहार्द की भावना होगी। ये बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है। तो ये परिवार की विशेषताएं हो गई। पहली विशेषता क्या हो गई, मैंने आपको बताया कि परिवार जो है वो समाज की आधारभूत इकाई है। सबसे पहली इकाई जो है परिवार है, ठीक है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, परिवार है। तीसरा, परिवार में सबको समान आवास, समान भोजन, समान सामाजिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, उन्हीं का ही उपयोग होता है। फिर उसके बाद आय के बारे में बताया कि परिवार को चलाने के लिए आय का एक स्थान पर एकत्रित होना। तीसरा क्या था, विवाह के उपरांत ही परिवार का निर्माण होता है। इसके बाद बच्चों को लेकर संरक्षक मिल जाता है, संरक्षण मिलता है, बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पूरी गारंटी होती है परिवार के अंदर। और बच्चों में के बीच प्रेम होता है, अपनत्व होता है, बच्चों के बीच प्रेम और अपनत्व का भाव पैदा होता है। ये थी परिवार की विशेषताएं। इसके बाद हम बात करेंगे परिवार के प्रकार की, कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। परिवार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार मतलब न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली। परिवार के जो प्रकार की बात करें तो प्रकार दो प्रकार के हो गए, एक हो गया एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि कौन सा परिवार श्रेष्ठ परिवार कहलाता है, एकल परिवार श्रेष्ठ परिवार कहलाता है या संयुक्त परिवार श्रेष्ठ परिवार कहलाता है, तो आपका जवाब होगा संयुक्त परिवार श्रेष्ठ परिवार कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि संयुक्त परिवार में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। पहला क्या होता है, संयुक्त परिवार में क्या होता है, एक तो आपके बच्चों को सिक्योरिटी मिलती है, आपके बच्चों में प्रेम की भावना डेवलप होती है, वो शेयरिंग सीखते हैं, चीज़ों को एक दूसरे से बांटना सीखते हैं, संस्कार उनमें आते हैं और अपनों से बड़ों के साथ भी रहते हैं, अपने से छोटों के साथ भी रहते हैं, अपने बराबर वालों के साथ भी रहते हैं, तो वो हर स्तर पर कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। तो ये संयुक्त परिवार की क्या होती है, विशेषता है एक, इसीलिए संयुक्त परिवार को श्रेष्ठ परिवार कहा जाता है। अब एकल परिवार किसको कहा जाएगा, एकल परिवार का मतलब क्या हुआ, एकल परिवार किसे कहा जाता है, ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें रहती हों, ठीक है। जिसमें जिस परिवार में पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें निवास करती हैं, ऐसा परिवार एकल परिवार कहलाता है। दूसरा है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या होता है, जहाँ पर पति पत्नी और उनकी संयुक्त विवाहित संतानें भी उन्हीं के साथ रहती हों, तो ऐसे परिवार को क्या कहेंगे, संयुक्त परिवार कहेंगे। और सर्वश्रेष्ठ परिवार कौन सा हुआ, सर्वश्रेष्ठ परिवार जो है वो संयुक्त परिवार कहलाएगा। तो ये हो गया परिवार के बारे में, हमने जाना परिवार का अर्थ, परिवार की विशेषताएं और परिवार के प्रकार।
अब इसमें हमें एक चीज और पढ़नी है कि सब कुछ हमने अच्छा अच्छा पढ़ लिया, लेकिन एक जो चीज है वो हमें जानना बहुत जरूरी है कि परिवार के बीच में विघटन कैसे होता है, यानी परिवार टूटते कैसे हैं, परिवारों के बीच में प्रेम की जगह अगर लोग एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहने लगे तो इसके कारण क्या होते हैं। तो इसमें परिवार का जो विघटन होता है, इस परिवार का विघटन कहते किसको है, पहले तो हम ये जानेंगे। तो हम ये जानेंगे इसमें कि परिवार के विघटन में क्या होता है, जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ सामाजिक क्रियाओं में हिस्सा नहीं लेते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ किसी क्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं, उसके साथ साथ सामाजिक क्रियाएं भी हैं अगर उसमें भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस परिवार में विघटन हो गया है, उस परिवार में विघटन हो गया है। मतलब अगर एक ही परिवार के लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उनके बीच मतभेद है, और अगर उन्हें किसी सोशल गैदरिंग के लिए जाना है, चाहे किसी शादी में जाना है या कहीं भी जाना है, पर वो नहीं जा रहे हैं, उनमें से कुछ लोग जाते हैं कुछ लोग नहीं जाते हैं, तो ये क्या है, ये है परिवार का विघटन। इससे क्या होता है, जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके आपसी संबंध भी खराब हो जाते हैं। आपसी संबंध जब खराब होंगे तो परिवार अपने आप जो संयुक्त परिवार है वो कैसा हो जाएगा, न्यूक्लियर परिवार हो जाएगा, सब अपनी अपनी दिशा में अपना अपना परिवार अलग कर लेते हैं। तो ये था परिवार के बारे में। ये आपके यूपी टेट ईवीएस पेपर 1 का पहला टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस में वो है आवास, ठीक है। तो आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हम टॉपिक वाइज सारे ईवीएस को कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इनके प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करेंगे।